लॉकेट को नष्ट करने की विधि आज ही पूर्ण होगी, इसलिए ये यज्ञ किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहिए। पर सर, ये बच्चा मर चुका है। ए! भगवान के तुम ये दुनिया का सबसे भाग्यशाली बच्चा होगा। लोग इसे लक्की कहेंगे। इतना बड़ा है यार भाई, अपने जैसे तो चार स्कूल आ जाएंगे इसके अंदर। क्या देख रहा है? सॉरी की सॉरी मिस इंडिया भाई, नहीं लगती भाई। 6 महीने हो गए दादी को गए हुए और तू देखे अभी भी भाई। अपने आसपास देख यार भाई, हमारा कॉलेज यार। शंटी, ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं, पर कोई मोटिवेशन नहीं बची यार लाइफ में भाई। तू तो नेगेटिव क्यों सोच रहा है यार? तुझे पता, जब मेरी नानी की डेथ हुई थी ना, मेरे मामा के बच्चों ने खाना नहीं खाया था 1 हफ्ता, और अब देख ले ठूस ठूस के फप्पस हो गए एकदम। क्या पैसे तो दे दो। अरे दे रहे हैं, दे तो भाई सारा फ्लो तोड़वा दिया, अगले बंदे का मोटिवेट कर रहे हैं। अरे ये हमारी नई शुरुआत है भाई, टाइम ले यार, मिल जाएगी मोटिवेशन। 2 लाख रुपए फीस है यहाँ की, तुम्हारे 20 रुपए लेके भाग जाऊंगा क्या? देखियो यार, लगी तो नहीं। I'm so sorry. Actually, वो बैलेंस चला गया मेरा। I just couldn't see. चोट तो नहीं आई ज़्यादा? नहीं, that's fine. आई तो है इतनी जोर से चोट। आप देख के नहीं चला सकते? अच्छा खासा लड़का खड़ा हुआ। देखिए, I'm really sorry. आप मेरे साथ स्कूटी पे बैठिए, हम जाके पट्टी लगवा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत इतनी जोर से लगी है? अरे सामान बड़ा है मेरा यार, मैं ले आऊंगा सामान। नहीं नहीं नहीं, मैं पहला दिन है ये, अभी 4 साल गुजारने पहले अपाहिज बना दिया। कहां बिना मतलब, तू पकड़ के ले लेते हैं। अच्छे से करा देना, अच्छे से करा देना इसकी पट्टी। एक्सक्यूज मी, ये गर्ल्स हॉस्टल किस तरफ है? एक्सक्यूज मी, ये गर्ल्स हॉस्टल किस तरफ है? मैं भी वही ढूंढ रहा हूँ। तुम गर्ल्स हॉस्टल क्यों ढूंढ रहे हो? अरे मेरा मतलब बॉयज हॉस्टल ढूंढ रहा हूँ। मैं क्यों ढूंढूंगा गर्ल्स हॉस्टल? बाय द वे, माय नेम इज शंटी मिश्रा, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस। हाय, आई एम रश्मि, सेम। हाँ भैया, तो आप चाबी मेडिकल रूम में भिजवा दीजिए ना। ठीक है भैया, मैं बिना स्कूटी के कैसे आऊंगी वहाँ पे बताइए। हाँ जी, आप भिजवा दीजिए प्लीज, थैंक यू। नहीं लगे, इट्स ओके। लिसन, I'm really sorry about this. वो मैं ना recently स्कूटी सीख रही हूँ, तो कभी कभी नर्वस हो जाती हूँ और बैलेंस बिगड़ जाता है। तो पैर पे भी लगी थी ना? अरे नहीं नहीं लगी उतनी, मैं बोल तो रहा हूँ तब से, it's okay. No no, it's not okay. Just give me a moment. वैसे नाम क्या है तुम्हारा? Lucky.
लकी रियल नाम है? हाँ एक्चुअली मैं ना रियल लाइफ में भी थोड़ा ज्यादा ही लकी हूँ, इसलिए शायद मेरी अम्मा ने रख दिया होगा। अच्छा वैसे फर्स्ट ईयर में हो ये तो कंफर्म हो गया, पर ब्रांच कौन सी? कंप्यूटर साइंस। नाइस, पर सीएसए क्यों? सीएस इंटरेस्ट, सी प्लस प्लस फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पैकेज। अरे नहीं यार, वो एक्चुअली मैंने और शंटी ने ना पर्ची डाली थी तो उसमें सी एस ई आई, हम दोनों ने सी एस ई ले ली फिर। वाओ दैट्स इंटरेस्टिंग, काफ़ी लॉजिकल तरीका है ब्रांच चूज करने का। एंड वी आर ऑलमोस्ट वी डन। Listen, I'm very sorry again. वो बस, you know, नया नया सीखा है तो अरे okay, it's just take care. See? Bye. अच्छा तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। क्यों? तुम खुद पता कर लो, तुम तो काफी लकी हो ना। तुम में से मेहरा सिंह कौन है? कौन लग रहा है आपको मीरा सिंह? हटिए, मीरा सिंह कौन है? मीरा, मीरा? एक सेकंड, तुम्हारी ब्रांच कौन सी है? ओ शंटी, अबे रुक साले, कहाँ है तू पूरे दिन से? मैं पूरे कॉलेज में ढूंढाया तेरे को। अबे भाई एक फ्रेंड बन गई थी, उसने जबरदस्ती पूरे कॉलेज में घुमा दिया। यार मुझे भी मोटिवेशन मिल गई। मैंने बोला था ना। और पता है उसका नाम क्या है? क्या? मीरा। ओ मीरा। भाई मैंने बोला था ना, अब देख तू दोनों भाइयों की लाइफ सेट है। हाँ। और कॉलेज देखना भाई, तू पूरा दिन हो गया घूमते घूमते, तब भी कह रहे हैं अभी तो कुछ भी नहीं देखा तुमने। अबे तू हॉस्टल का देखना भाई, मंदिर लगा लगा मिल गया यहाँ। अरे और भगवान जी, लड़की हमने पसंद कर दिया, आप बस रास्ते खुलवा देना। कृपा करो भगवान, कृपा करो। प्रणाम। बाबा कहाँ से घुस गए हैं? हम अरे डरिए मत, मेरा नाम परमेश्वर है, प्रथम वर्ष संगणक विज्ञान। मुझे क्या पता क्या बोल रहा है ये? नहीं समझे? फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस, आपका बैचमेट। अबे यार बिना मतलब फाड़ दिया हमारी। मेरी बात सुन भाई ध्यान से, इस रूम में रहना है ना तो पहले कपड़े पहन के रही हूँ, नंगे आदमी देखने का मुझे कोई शौक नहीं। वो मैं पहाड़ी वाले गुरुजी का भक्त हूँ ना। पर एक बात बताओ, तुम यहाँ ये बीटेक करने क्यों आए हो? ज्ञान प्राप्त करने। यार शंटी, वो हॉस्टल में से कोई आवाज ही नहीं आ रही यार, बच्चे नहीं आए क्या अभी? हाँ? अबे इसका क्या सीन है यार? अबे वो छोड़ तू भाई, मुझे लगता है ना मीरा तेरी जिंदगी में दादी की कमी पूरी करने के लिए आई है ना। पता है मैं आज जब उससे मिला ना, ओ उसकी भी साधना टूट गई भाई। चलो चलो दम लगा के आयशा, चलो 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 डॉगी स्टाइल, शाबाश। पोजीशन टू, रिवर्स काउगल। चलो 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 पटक के मुंह इधर। थैंक यू सर, वेरी गुड। ओ तुम तीनों इधर आओ बे,
अबे जल्दी आओ। फर्स्ट ईयर के चूजों वाली खुशबू। लचीली चूतड़ा। अबे ओए, किसी ने सीनियर्स को गुड इवनिंग बोलना नहीं सिखाया क्या? गुड इवनिंग भैया। अरे ओए भैया नहीं सर, सर अच्छी सिखाए बालकन। सारे सुन लो, एक बार डेमो दूंगा, कोई सीनियर दिख गया ना तो उसको यही करना है। ये रही तुम्हारी चुत्तड़, ये रही तुम्हारी पीठ 90 डिग्री। गुड इवनिंग सर, 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 गुड इवनिंग। ओए मुस्की पोज दूंगा साले, अब करके दिखाओ। चलो चलो चलो। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। रॉकी भैया मैं क्या कह रहा हूँ, इनसे ना मस्त थ्रीसम करवाते हैं, क्रीम पाई वाला। चलो ओए चलो 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 चल। अबे तुम दोनों को क्या इनविटेशन भेजना पड़ेगा? सॉरी भैया पर हम लोग रॉकी भैया मुझे लगा तुम भी मान ही जाओगे। भैया सॉरी पर सर सॉरी पर ये नहीं कर पाएंगे, कुछ और करवा लो। अबे ओए थिएटर देख के आए थे, मजाक चल रहा है? मेरे 5 गिनने तक अगर तुम तीनों बेड पे ना हुए ना पूरे कॉलेज में नंगा बजाऊंगा, समझ गए? 1 2 3। अपनी जांघों पे तितली नहीं पड़ती है। बावली गर्ल, जल्दी से चादर ले ना, मैं तेरी तितली पड़ा दूँगा। आलू मकार हुए। यार शंटी मीरा को कैसे ढूंढेंगे यार? मैं ढूंढ देंगे भाई, इतना परेशान क्यों हो रहा है? अरे कैसे ढूंढेंगे यार, सिर्फ नाम पता है, ना सेमेस्टर पता ना कोर्स पता। भाई हमारे साथ दादी है। हाय कैसे हो? सो ये मेरा ग्रुप है रश्मि, और गाइस ये मेरी मतलब हमारी क्लासमेट रश्मि। हाय हेलो लकी परम। ये ऐसा ही है, इसको देख के ऐसे वियर्ड आउट मत होना। लकी ये लकी तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? ये हाँ? ये तो मेरे पास बचपन से है, मेरी अम्मा ने बनाया था शायद। क्यों नहीं, ऐसा लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। हाँ तो देखा होगा, ऐसे तो बतेरे बिकते रहते हैं। कहाँ फालतू की बातों में लगा लिया तूने मुझे यार, एक लड़की ढूंढनी है बहुत जरूरी। देखो पुरुषों में यौवन काल के समय इस तरह की उत्तेजना होना प्राकृतिक। अरे वो चूती है, सेक्स की बात नहीं कर रहा, एक मीरा नाम की लड़की है जो मुझे बहुत क्लास में। उठ, पीछे जाके बैठ, जल्दी जा, पीछे जाके बैठ।
Good morning, class. My name is Meera Singh, and I'll be teaching you data structure. Welcome, future engineers. I wish you all the very best for your future journey with this college. बस एक बात का ध्यान रहे, अगर कोई भी इनडिसिप्लिन हुआ तो यू विल गेट रेस्टिगेटेड स्ट्रेट अवे, और कोई भी से मेरा मतलब है कोई भी. कंटिन्यू विद द क्लास. Well, that was the dean for you. Moving on. मैं बोल रहा हूँ भाई, भूल जाए इसे. अबे ये स्टूडेंट और टीचर ना पॉन की दुनिया में अच्छा लगता है. भाई ये कितना हरामी बंदा यार. शंटी तू कितना हरामी है यार. अभी कल तक कह रहा था अम्मा की इच्छा है, अम्मा ने भेजा है. अबे तो भाई तब बीटेक की डिग्री नहीं लगी थी ना दाव पे. भाई मैंने इससे हरामी बंदा ही नहीं देखा अपनी जिंदगी में. चल ठीक है भाई, परम तू बता. वैसे सुंदर तो है मीरा जी. हेलो इधर देख. मान लिया अब तू हमारे ग्रुप का हिस्सा है, पर अगर मीरा के बारे में कुछ भी उल्टा बोला ना मैं कसम बता रहा हूँ गांड तोड़ दूंगा. शर्म नहीं आया किसका? क्या कह रहा हूँ, आज करना है प्रपोज, समझे? अरे यार आपकी गांड क्यों फटती यार? ये तो लड़का लड़की दोनों सही. चलो 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 चलो, भाभी चाहिए मुझे. सुन चंटी चुप. हेलो मैडम, माई सेल्फ राजेंद्र सिंह झाकर उर्फ रॉकी. आपसे एक बात करनी थी. बोलो. मैडम वो मैडम आप ना घनी क्यूट. समझ रही हूँ. देखो राजेंद्र. हाँ जी रॉकी. रॉकी मुझे तुम्हारे साथ हुकअप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई एम श्योर मेरे हस्बैंड को जरूर होगी. वो क्या है ना, वो साउथ जोन के डीएसपी हैं, तो रेप्यूटेशन थोड़ी खराब हो जाती है. You know what I mean. कोई बात नहीं, मैं एक बार कॉल मिला देती हूँ, फिर डिस्कस कर लो और लेट मी नो. क्या नाम क्या है आपका? रॉकी. नहीं नाम नहीं. रॉकी भाई ग्रुप स्टडीज करनी है. भाई मेरी बात मान, तू पति भी है वो भी पुलिस में, सुट्टा भी पीती है, अब इसको छोड़ दो. अरे बहुत मिल जाएंगी मीरा जैसी. नहीं साले पिटवाएगा तू इसके चक्कर में. चल साले इसका पति सूटेगा हमें. लकी आ जा. चल 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 छोड़. हेलो. हाउ इज योर लेग एंड योर आर्म? ऑल ओके. ग्रेट. कोई भी इश्यू हो तो जस्ट लेट मी नो. सेफ. एक सेकेंड. एक इशू था कल ना, एक्चुअली हॉस्टल से मेरी बाइक चोरी हो गई थी, और हमने सुना है आपके हस्बैंड तो मतलब डीएसपी हैं साउथ जोन के, तो अगर आप उनको बोल के ये रिजॉल्व करा देती तो. मिस मीरा. थैंक यू मिस मीरा. मैं कह रहा था कि अगर आप
उनका नंबर ही मुझे दे देती तो मैं डायरेक्टली कॉल कर लेता उनको आपका नाम लेके। प्लीज ये घंटी आप ही के घर पे बजेगी ना? ओके दिक्कत है उसमें, लाइट चली जाती है कभी भी, बच्चे परेशान हैं। ठीक है भाई, देखूं मैं इसे एक बार। अबे कितना स्लो खाता है तू? अबे तुम जल्दी खाते हो। हाँ, पूरा हॉस्टल खा के उठ गया, हम जल्दी खाते हैं। अच्छा सुन, कोल्ड ड्रिंक पीने चल रहे? चल। नहीं आ रहा। तो हाँ चला जा। पर ये तो बताओ कोल्ड ड्रिंक होती क्या है? हाँ साले, बेड पे डॉगी स्टाइल तुझे पता है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पता। मेरे सामने ड्रामा मत करियो ना, थूत बिगाड़ दूंगा तेरी। थूत? मजा आ जाएगा। तेरे तो एक ही दिखाई नहीं देगी। साले तुझे बढ़िया भी आ रही है। अबे गंडू फोन क्या मिल गया कैंटीन में? कूद पे डंडे बजा देंगे पूरे फर्स्ट फ्लोर। हां रुक ले, नहीं जाएंगे। अब क्या करना है? करना क्या है? अकेला बैठा है, सब लोग फोन की लाइट जलाओ और मारो बहन। पेप्सी पी ही लेते हैं। भाई किसका कुत्ता बना रहे हो? अबे हट हट हट। अबे ये यहाँ तो हमने किसका कुत्ता बना दिया? अबे चुप रह हट। अरे बहन चोर साला कुत्ता, मैं चिल्ला रहा था किसी को मेरी आवाज नहीं आई। रॉकी भाई हुल्ले में आवाज नहीं आ रही थी। और बहन चोर ये मेरी आंख में घुसंड कौन सी ने मारा? मेरे घुसंड लग गया होगा, हाथ तेज चल। भाई मुझे मत देखो, मैंने कुछ नहीं किया। आज रहने देते, चलो रास्ता दे दो। चलो ओके, देख लूंगा सालो। ओके रॉकी का कुत्ता बना दिया। सही है सही है, वैसे भी गांडूपंती करता था साला। गांजा वांजा फूकते क्या है भाई? कसम से नशेड़ी लग रहा है तो मुझे। और लेकिन ये कौन बोल रहा है रॉकी का कुत्ता हमने बना दिया? तेरे जादू वादू से नहीं हो रही। जी
क्या जरूरत थी रॉकी से मारपीट करने की? तुमसे बदतमीजी कर रहा था। कौन हो तुम? मिस मीरा। लेट मी फिनिश। क्या सोच रहे हो तुम? फर्स्ट ईयर कॉलेज में आओगे, टीचर को कटाओगे, पूरे कॉलेज के सामने कूल बन जाओगे, ये प्लान है तुम्हारा? हेलो, वेक अप, दिस इज माय फर्स्ट एंड माय लास्ट वार्निंग टू यू, अदरवाइज। ओके, तो मैं पहले आपको अपना प्लान बता देता हूँ। आपने तुम मैं तुम्हें अपना प्लान बता देता हूँ। मेरा प्लान तुम्हें पटाके कॉलेज में कूल बनने का नहीं है, मेरा प्लान तुमसे शादी करने का। सरप्राइज मत हो, आई नो ये एज गैप एक छोटी सी प्रॉब्लम है, पर इमेजिन करो अगर इस कॉलेज की जगह हम किसी ऑफिस में होते और मैं वहां तुम्हारा जूनियर होता, क्या तब भी ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती? नहीं ना। तो सिर्फ लाइफ में गलत टाइमिंग की वजह से ये जो तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ रही है, मैं कैसे दब... Listen, all of this is just nonsense. Sorry, ma'am. ओ आजा यार लक्की। आया। तुम्हारी फेसबुक बायो में तुमने फेमिनिस्ट लिखा हुआ है। एक बात पूछनी थी, अगर एक लड़की अपने से बड़े उम्र के लड़के को प्यार कर सकती है तो एक लड़का, फिर भी अगर तुम्हें इशू हो तो प्लीज लेट मी नो, मैं ऐसे तुम्हें बॉदर नहीं करूंगा। आई एम सॉरी। हाय फिसला ना ऐसे कभी, ये दिल तुझ पे फिसला है जैसे अभी। ऑप्शन ए है सोचता कि कैसे करे तुझसे बात। व्हाट डिड यू से? ऑप्शन ए, तू ही बता दिन तुझ बिन कैसे। दैट्स द राइट आंसर। वेल डन लकी। भाई मीरा जब देखती है ना मेरी तरफ, ऐसा लगता है कसम से जैसे। क्या हो गया? मुंह क्यों बना रखा है यार? ऐसे थोड़ी होता है। क्या हो गया? एटलीस्ट रश्मि को तो तू बता सकता था ना कि आंसर मैंने दिया है। अबे यार उस बात को लेके बैठा है क्या तू भी? ले रश्मि। हाँ? वो जो आज आंसर दिया था ना, शंटी ने दिया था। हाँ जरूर। मैंने तो बोला ना भाई, मैं रश्मि को सच बोल रहा है, मैंने ही आंसर दिया था। ग्रो अप शंटी। अब बोलने से क्या होगा? तभी बोलना था तो बोला नहीं, तब तक मैं बात को सुन यार। कहाँ था तू आजकल? क्लास को नहीं आ रहा? एक बहुत जरूरी किताब ढूंढनी है, कुछ दिन और क्लास नहीं आऊंगा। अबे इतनी किताबें हैं तो अब कौन सी किताब ढूंढ रहा तू? यार शंटी, फ्रेश फ्लावर्स खरीदने, कहाँ से मिल जाएंगे? अबे फ्लावर्स खरीदने क्यों हैं? तोड़ लियो ना। तू ही तो मारा
ऐसा लगा बिन तेरे जीना सजा है। किस्मत में दिया किस्मत से मिली क्या बता, तुम्हें फूल नहीं दिया उसको अभी तक? अरे देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पता नहीं कहाँ से एक तो सारे फूल खुद ही आ गए। इम्प्रेस हो गई फूल। अब भी नहीं है रश्मि, तू काम करना, तू इस मामले में वेस्ट तो नहीं होगा। बुला बुला रश्मि। हाय। हेलो हेलो, ये तुम्हारे लिए। ये तुम तोड़ के लाए हो? हाँ, यहाँ और भी अच्छे अच्छे फूल हैं। स्टॉप इट। मेरे को मन देख भाई, तूने तूने कहा था कि तोड़ लो खरीदना, मैंने कहा था खरीद ले। अबे तो वो भी तो, अबे तो वो भी तो तोड़ के लाते हैं। वो भाई कौन सी लिपि है ये, क्या लिखा है? गुरुजी ने ये किताब एक असाधारण लिपि में लिखी है, इसे पढ़ने और समझने के लिए बहुत वक्त लगेगा, पर अभी मैं इतना कह सकता हूँ कि लॉकेटी तुम्हें भाग्य देता है। इसका मतलब मीरा मैम भी तुझे इस लॉकेट की वजह से भाव देती है। ओ पागल है क्या शंटी, सच्चा प्यार करती हो मेरे से? हाँ हाँ भाई, ठीक है ठीक है, चलो सो जा। ओ शंटी फालतू की बातें मत कर, प्यार करते हैं हम दोनों, किसका क्या लेना देना उसमें। हाँ भाई मान लिया, चलो अब सो जा, ज्यादा मत सोच। लक्की ये कैमरा पकड़ ले, मैं सुसु करके आ रहा हूँ, ध्यान से पकड़ियो, कुछ हुआ ना तो तेरे से ही लूंगा। हाँ ठीक है। लक्की हाय। हाय, ये पीछे लगा देना यार। नाइस अरेंजमेंट है। थैंक यू। तुम फोटोग्राफी भी करते हो? That is great. Let me see. ये तो। That is so pretty. Wow, these are so nice. These are so nice. Thank you. Oh, look at this one. Look at this one. मीरा, मैं तुमसे बात पूछूं? अभी इस मोमेंट में, आई मीन इस टाइम तुम एग्जैक्टली क्या फील कर? सॉरी हाँ, हाँ पर हम थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, थोड़ा इम्पोर्टेंट काम। अरे मैं बस डिमांड ड्राफ्ट बनवाने ही जा रहा हूँ। अरे मैं कर दूंगा पापा जी जमा। हाँ भाई प्रेशर, आजा एक एक बाजी लगा ले। नहीं नहीं सर, वो मैं पैसे नहीं मेरे पास। अबे तो छोटी बाजी खेल ले, 100-100 रुपए की। देख मन तो अंदर से तेरा भी कर रहा है। आजा लेके आ, लेके आजा, शुरू से खेलते हैं। आजा आजा, अबे आजा काटेंगे थोड़ी ना, आजा चल।
मार भी दे। शर्मा रहा है रॉकी भाई। शर्मा नहीं उतार दे, कितने टेसू अब आएगा, उतार दे। शंटी क्या कर रहा है तू? हेलो भाई, यहाँ पे सबके सामने शर्त लगी थी कि जो भी हारेगा पूरे कॉलेज में नंगा होके परेड करेगा। जो तेरा भाई तो हार लिए, अब ज्यादा छिलकतरबाजी नहीं करनी। ओ चल कच्छा उतार। कसम का कभी जुआ निकलेगा। ओ भाई चल कच्छा उतार, चल उतार दे भाई, उतार दे। चल 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 रॉकी। पहले एक दाव मेरे साथ खेल ले। अबे रॉकी भाई के साथ दाव खेलेगा, गीली कर देंगे। हार गया तू तो चारों साल तेरा गुलाम बन के रहूंगा। सुन लो भाइयों, देख लो सारे देख लो, इसने जबान दी है। और लक्की, जो एक बात का नहीं वो एक बाप का नहीं, तेरी पिलपिली चूतड़ पिचका देंगे रॉकी भाई। क्यों रॉकी भाई? चले सुन बे लक्की, अब नियम के हिसाब से तेरे पास सिर्फ 3 मौके हैं, 11 से बड़ा नंबर यानी 12 लाने का। चल आजमा ले किस्मत। राठी भाई आप बोलते बहुत ज्यादा हो। चल शंटी। क्या हो गया बउआ? अबे ओ हीरो, अब तो उठेगा तो तब जब तीनों बारी खेलेगा। योर रूल्स है, समझा? चल अबे चल चल चल। चल अब लास्ट चांस ले ले, जल्दी ले, जल्दी ले, जल्दी ले। क्या हुआ, पिछवाड़े की बत्ती टिमटिम आ गई? दिल कहीं इश्क ना हो जाए। क्या हो गया भाई, ऐसे क्यों देख रहा है? कुछ नया मिल गया क्या बुक में? कभी ऐसा हुआ है जो तुमने ना चाहा हो वो भी मिल गया हो? हैं? भाई ये देखियो। ये क्या? भाई 6 महीने हो गए, मैं सोचता हूँ रश्मि को प्रपोज कर ही दूँ। ये तूने अपने हाथ से बनाया है? भाई रेडीमेड तो सभी दे देते हैं, मैंने सोचा कि इतना सीरियस है क्या तू? हाँ भाई वो स्पेलिंग वगैरह भी देख ली थोड़ा। हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ, एक सेकंड। बालकनी में तेरी झलक की खातिर हम रात गुजारा करते हैं, पर जब तुम सोती हो
तो हम चांद निहारा करते हैं भाई। और हो गया क्या परम? सुना भाई, लड़की के चक्कर में शायर बन गया हमारा। बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। वो हाँ तो बोल देगी ना। अबे हाँ ही बोलेगी, और क्या बोलेगी यार। ऐसे प्यारे लड़के को ना बोल सकता है? और अगर ना बोलने की सोचेगी भी ना तो अपना लक कब काम आएगा। अरे बड़ा बट तो खुश तो खुश। आजा भाई। यार वो हाँ तो बोल देगी ना। यार ये कितनी बार एक ही बात पूछेगा। अबे बोल देगी भाई, कह तो रहा हूँ तेरे साथ भाई खड़ा है आज। कोई टेंशन ही नहीं है भाई। होती है फिर भी धक धक यार। लकी हाय। हेलो। तुम लाइब्रेरी की तरफ जा रहे हो क्या? चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रेट, ये बुक रिटर्न कर दो फिर। 100%। ग्रेट, नाइस। बाय बाय मैम। लेकिन तू तो मेरे साथ जा रहा था ना यार। ये पैनिक कितनी जल्दी कर जाता है भाई। खड़ा बाहर है क्या? आ रहा हूँ ना 10 मिनट में लाइब्रेरी से बुक वापस करके। तू पहुंच कैंटीन इतने। भाई पहले ये करवा देना। अरे यार परम, तू उसको कैंटीन लेके जा यार। मच 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 करता ही रहता है। और तुझे ठंड नहीं लगती क्या? ये कहाँ से बोलना सीखे वे? कल तक तो जी श्रीमान नहीं श्रीमान कर रहा था। हाँ क्या यार, फालतू वाली चीजें देखती है। सही है। अच्छा एक काम कर, तुम कैंटीन जाओ, मैं लाइब्रेरी से बुक रिटर्न करके आती हूँ। बाय। फिर कहते हैं कॉलेज में चोरियां बढ़ रही हैं। अशोक। हाँ। लाइब्रेरी में कोई नहीं है, ताला लगा दो जाकर। तो थोड़ा धीरे बोलो ना, अभी चाबी लेके आता हूँ। ओह हाय लकी। हाय रश्मि, तुम कैंटीन नहीं गई? नहीं, वो एक्चुअली बुक रिटर्न करने आई थी। भाई तो फिर तुम्हें कैसे पता मैं इस टाइम कैंटीन में होती हूँ? सारी लड़कियाँ वहीं होती हैं। हाँ? वो छोड़ो, शंटी से मिली क्या तुम? नहीं क्यों? अरे भैया सॉरी 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 एक सेकंड। अरे अरे भैया सुनो, अरे भैया, अरे भैया मंदिर है यहाँ पे। ओए अरे हम यहाँ यहाँ पे। चोट लगी क्या यार? कोई गेट पे ताला लगा के चला गया। सो सॉरी। कहाँ लगी? यहाँ यहाँ थोड़ा ऊपर। अच्छा शक नी पे लगी है क्या? यहाँ थोड़ा ऊपर ऊपर। मैं बताती हूँ। रश्मि नहीं सॉरी। रॉकी भाई ये तो फाइल ही करप्ट है। क्या? अबे चला यार इसको। हाँ। शंटी तुम्हारा कैंटीन में इंतजार कर रहा है। सुना लकी? हाँ। क्या हुआ यार परम? सब खराब हो गया यार। यार मैंने जानबूझ के नहीं किया। पता नहीं क्या हुआ, मेरा दिमाग ही चलना बंद हो गया।
मैं शंटी को क्या कहूंगा यार, क्या कर दिया है मैंने, शंटी को क्या कहूंगा यार। हर बार ऐसा ही करता है ये लॉकेट, तुम्हारी दादी माँ ने तुम्हें झूठ बताया, ये लॉकेट तुम्हें हमारे गुरुजी ने दिया था। जिस दिन तुम पैदा हुए वो दिन सारे ग्रह एक सीध में थे, जिसकी वजह से तुम्हें अच्छी किस्मत मिली। परोक्ष शक्ति को एक्सेस ये लॉकेट देता है, ये तुम्हारी किस्मत को इतना अच्छा कर देता है कि वो तुम्हारे अपनों के खिलाफ ही काम करने लगती है। गुरुजी की इस किताब में इसका उल्लेख था। फिर एक दिन गुरुजी ने इस लॉकेट को नष्ट करने के लिए एक यज्ञ विधि की, लेकिन तब ना चाहते हुए भी उन्हें ये लॉकेट एक खास बच्चे को पहनाना पड़ा। शायद वो तुम ही थे, लेकिन अब इस लॉकेट ने तुम्हें भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। मतलब मेरी अम्मा भी इसीलिए। हाँ, मुझे ये किताब विताब कुछ नहीं पता, तू बता क्या करना है, मुझे इससे बाहर निकाल। एक काम करते हैं, तेरे गुरुजी के पास चलते हैं, उन्हें तो सब पता है ना। वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इस लॉकेट को नष्ट करने की विधि इस किताब में लिखी है। अगर तुम चाहो तो हम इसे नष्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है। एक सेकेंड, तेरा मतलब उस दिन पैदा हुआ कोई भी बच्चा अगर ये लॉकेट पहनता तो वो भी लकी हो जाता। हाँ, अभी तो शंति भी तो उसी दिन पैदा हुआ था, हो गया ना सब कुछ सॉल्व। मैं एक काम करता हूँ, ये लॉकेट अभी जाके शंति को दे देता हूँ, वो जाके रश्मि को प्रपोज कर देगा और सब ठीक हो जाएगा। नहीं, फिर वो ही इसे नष्ट कर पाएगा। हाँ तो ठीक है ना, एक बार रश्मि से बात कर ले, उसके बाद करा देंगे नष्ट। मेरी बात तो सुनो। अरे तू रुक ना, मेरी बात तो सुन। चली, इस एरर की वजह पता ही नहीं लग पा रही। बेंचोद कुछ भी कर तू, चला इसको। शंटी, सारे कहाँ है तू? फोन क्यों नहीं उठा रहा? 10 मिनट का बोल के गया था, और वहाँ रश्मि भी नहीं है कैंटीन में। परम ने मुझे इस लॉकेट के बारे में बहुत खतरनाक बात बताई। लकी, कहाँ तू परम के चक्करों में पड़ गया यार? बात सुनेगा? उसने मुझे बताया कि ये लॉकेट सिर्फ मुझे लकी नहीं बनाता, ये हर उस इंसान को लकी बना सकता है जो मेरी बर्थ डेट पे पैदा हुआ है। मतलब अबे ये तुझे भी लकी बना सकता है। मतलब ये लॉकेट अगर तू पहन लेगा तो रश्मि तुझे हाँ बोल देगी। रॉकी भाई, वीडियो खुल गई, भेज उसे, सबको भेज, सबको सबको सबको। पहन फटाफट, चल। मीरा को कॉल आ रहा है, मैं मीरा से मिलके आता हूँ, तू इसे पहन के जाइयो, ठीक है? चल रूम पे बताइए क्या हुआ। मेरी अबे पागल, ये ड्रेस के साथ मैच भी नहीं हो रहा, कार्टून बना देगा। Thank you.
सॉरी वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, पर वो बुक रिटर्न कर दी थी मैंने लाइब्रेरी में। अगर तुम फ्री हो तो लंच के लिए चले। मीरा, आई कैन एक्सप्लेन। ये मतलब हाँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन इट वॉज जस्ट अ हीट ऑफ मोमेंट। मीरा प्लीज, मीरा लिसन टू मी। आठ